अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग। और आज मैं बना रही हूँ आपके लिए शाही कोफ्ता, और जो मैं मटन में बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने लिया है, ये देखिए, ये 1 kg मैंने मटन लिया है। और इसमें मैंने अच्छे से वॉश करके इसका पूरा पानी मैंने निकाल दिया है, देख सकते हो, ये पूरा पानी मैंने इसका निकाल दिया। और ये एकदम बारीक पिसा हुआ है, ये मशीन का खीमा मैंने बाहर से ही पिसवा के लिया है, जो मटन की शॉप होती है वहीं से। वो लोगों ने मशीन में, इस तरीके से मैंने उनसे कहा कि मुझे कोफ्ते बनाने हैं, तो उन्होंने इस तरीके से मुझे पीस कर दिया है, तो ये देख सकते हो। तो अभी हमें इसके लिए क्या करना है, तो पहले मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देख सकते हो, तो खीमा मैंने एक पतीले में निकाल लिया है। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने, करीब 1 चम्मच। और अभी इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर दूँगी हरी मिर्ची का पेस्ट। ये देखिए, आपके पास अगर हरी मिर्ची का पेस्ट है, आपके यहाँ खाते हो तो यूज़ कीजिए, वरना आप इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। और 1/2 चम्मच के करीब इसमें अदरक लहसुन लिया है, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ की मदद से ही मिक्स करना है, आप इतना हाथ की मदद से आप मिक्स करोगे उतना अच्छा इसके अंदर फ्लेवर जो है पूरी तरीके से मटन में मिक्स हो जाएंगे। स्पाइस जो हमने इसमें ऐड किया है, हरी मिर्ची और नमक वगैरह भी आपस में सब इसमें मिल जाएंगे अच्छे से। और अभी मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हूँ। हमें बॉल्स बहुत छोटे भी नहीं और बहुत बड़े भी नहीं करने हैं, मीडियम साइज़ के बॉल बनाऊंगी मैं। ये देखिए इस तरीके से, और इसे इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए बॉल बनाइएगा। आप अगर ऐसे लूज़ लूज़ बॉल बनाओगे ना, तो बॉयल करते वक्त वो टूट जाएंगे। तो आप इसे मुट्ठी बनाकर ऐसे ना इसे दबाए, और उसके बाद इसका एक बॉल रेडी कीजिए। देखिए मैं बॉल बनाती जा रही हूँ अभी, तो ये देखिए इस तरीके से बॉल बना ले। आप अपने हिसाब से साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मीडियम साइज़ के ही काफ़ी अच्छे रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े भी अच्छे नहीं रहेंगे। ये देखिए बस इस तरीके से, ये देखिए मैं बॉल बनाती जाऊँगी। तो इसी तरीके से मैं सारे बॉल अभी बना लूँगी, और फिर इसके आगे हमें क्या करना है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और इसे हमें फ्राई नहीं करना है, बिना फ्राई किए हुए हम इसे बना रहे हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरीके से आपको बनाना है। तो देखिए सारे बॉल मैंने रेडी कर लिए हैं, और यहाँ मैंने तवे पे, सॉरी गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई, हाँ मैंने रख ली है एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में अभी हम डालेंगे 2 चम्मच के करीब मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी। इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको फ्राई करने की भी टेंशन नहीं है, आप इसे ऐसे ही बना सकते हो। अभी मैं इसमें, देखिए ये तेल गर्म हो चुका है, तो अभी इसके अंदर मैं ना एक एक करके जो कोफ्ते हैं वो रखती जाऊंगी। और बस अगर आपको लग रहा है बर्तन छोटा है, तो आप 2 बारी करके डालें इसके अंदर, एक बार में अगर पूरे कोफ्ते नहीं आ रहे, वैसे ये पकने के बाद थोड़े सिकुड़ जाएंगे, तो टेंशन नहीं है, तो आप छोटे से एडजस्ट करके भी रख सकते हो, और नहीं तो 2 बारी में भी बनाएं। और अभी मैं इस पर प्लेट बिल्कुल भी ना मत ढाकिएगा, अगर आप इसमें प्लेट ढाकोगे ना तो ये क्या होगा, बहुत पानी पानी हो जाएगा, और हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं रखना है, इसे ऐसे ही बनाना है। तो और ये बहुत ही ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट होते हैं, मैंने इसके अंदर कोई बेसन का इस्तेमाल नहीं किया है, कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ये सिर्फ मैं कच्चे ही मटन से बना रही हूँ, कच्चे मटन से बस, मुझे लगता है ये इतने काफ़ी है। और गैस की फ्लेम लो मीडियम पर छोड़ देंगे, बहुत ज़्यादा भी फास्ट नहीं करनी है हमें, और बहुत ज़्यादा धीमी नहीं, लो टू मीडियम रखनी है गैस की फ्लेम। कोफ्ते हो जाएंगे, अभी आधे कोफ्ते प्लेट में रखे हैं, देख सकते हो। अभी मैं इतने ही गर्म कर रही हूँ, बना रही हूँ, इसको फ्राई करने का भी टेंशन नहीं है, आपका तेल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही तेल का इस्तेमाल किया है इसके अंदर, इसे एक साइड से पहले पूरी तरीके से पक जाने दें, उसके बाद ही पलटाए, वरना ये टूट सकते हैं। तो पहले मैं एक साइड से अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ इस तरीके से छोड़ दें, तो देख सकते हो आप लोग ये साइड से थोड़े से पकने लगे हैं। तो अभी मैं इसे धीरे धीरे करके एक एक को ऐसे, ये देखिए एक एक पीस को पलटाती जाऊंगी, और इसका जो पानी है इसी पानी में ये पक जाएगा अंदर तक के, और ये काफ़ी जूसी और काफ़ी टेस्टी बनेगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो हरी मिर्च का पेस्ट डाला है उससे ये ऐसे भी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। अगर आप इसे इस तरीके से फ्राई करके भी खाओ, तो अगर आप इसे फ्राई कर रहे हो तो उसके अंदर आप 2 से 3 चम्मच चने का आटा, या फिर जो चने की दाल होती है रोस्टेड, वो भी पीस के इसमें ऐड कर सकते हो।
तो ये वैसे भी बहुत अच्छे लगेंगे पुदीने की चटनी के साथ, ये वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। भैया बकरीद भी नज़दीक आ रही है, तो इंशाल्लाह बकरीद में भी आपको नई नई रेसिपी देखने मिलेगी। तो जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, और इंशाल्लाह मैं आप लोग के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट में बताइए आप क्या देखना पसंद करते हो, तो इंशाल्लाह मैं उस जो आप बोलोगे वही रेसिपी बना के आपको बताऊँगी, और वो भी घर घर के सामान से। आपको कुछ भी ज़्यादा ये नहीं रहेगा कि ये इसमें ये नहीं है वो नहीं है, जो भी घर का मसाला है घर के सामान से मैं आपको बताते रहती हूँ हर वक्त कि इजी तरीके से आप किस तरीके से खाना बनाएं घर में, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप भी अपनी फैमिली को इस तरीके से खाना बना के खुश कर सकते हो, आपके बच्चों को, आपके ससुराल में जो है आपके हस्बैंड को। तो ये देखिए ये कितनी अच्छे से मैंने इन सबको पलटा दिया, और ये साइड से भी इनको मैं 2 से 3 मिनट पकने दूंगी, और ये पानी थोड़ा ड्राई हो जाए वहाँ तक इसको पका लेंगे। ये देख सकते हो तो सभी को मैंने अच्छे से पका लिया है और बाहर निकाली। इसे बहुत ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है, ये थोड़े जूसी होने चाहिए। इसे आप एकदम ज़्यादा ड्राई करोगे तो ये खाने में ज़्यादा अच्छे नहीं लगेंगे। हमें इसे सॉफ्ट रखना है, जूसी रखना है, तो इसे बस इस तरीके से निकाल लें। ये हो चुके, अभी मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताती हूँ। तो देखिए मैंने 4 प्याज ली है मीडियम साइज़ की, और इसमें से हम लेंगे 2 प्याज को हमने पीस लेना है। तो देख सकते हो 2 प्याज को मैं पीस लूँगी, और 2 प्याज का मुझे ब्रिस्ता बना लेना है, ठीक है। और अभी मैं आपको मसाले दिखा देती हूँ। तो मसाले में मैंने लिए 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 लवंग है, और 10 से 12 काली मिरी मैंने ली हूँ। और अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैंने तेज़पत्ता भी ऐड कर लिया है 2, और ये काजू लिया है। तो ये मैंने एक कटोरी के हिसाब से, जो छोटी स्टील की कटोरी हमारे घर में होती है नॉर्मली, वो कटोरी के माप से मैंने लिया है। और ये देख सकते हो 2 तेज़पत्ते भी मैंने ले लिए हैं। और अभी मैं आपको इसका आगे का ये दिखाती हूँ। तो एक दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा हमने ले लिया है। तो इन सब चीज़ों को अभी साइड में कर देंगे, और अभी हम ले लेंगे प्याज का ब्रिस्ता बनाना है। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ। ये तेल भी गर्म हो चुका है और प्याज को मैंने कट कर लिया है। फिर तेल के अंदर मैंने प्याज डाल दिया, और हमें इसे गोल्डन ब्राउन, जो हम बिरयानी के लिए प्याज फ्राई करते हैं बस उसी तरीके से हमें ये प्याज भी फ्राई करनी है। इसे हमें गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है प्याज को। तो ये देख सकते हो, तो 2 प्याज का मैंने ब्रिस्ता बनाना है। ये देखिए बस अच्छे से इसे तेल में, और इसे मीडियम आँच पर ही बनाए, अगर आप फ्लेम ज़्यादा फास्ट करके बनाओगे तो प्याज जल जाएगा। तो बस अब हमारा प्याज भी रेडी है, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए प्याज रेडी हो चुका है, बस ऐसा ही चाहिए। इससे ज़्यादा डार्क ना रखे इसे, और इससे ज़्यादा कम ना रखे। तेल में अच्छे से निकाल रही हूँ, ज़्यादा तेल ना ले। इसी तेल के अंदर हम मसाला भुनेंगे, ये जो तेल है इसी के अंदर। तभी मैं इसमें सब सूखे जो खड़े मसाले हैं वो ऐड कर देती हूँ, जो हमने अखे मसाले लिए थे। और साथ ही में मैंने ये प्याज जो पीसी है, जो 2 प्याज हमने रखी थी मैंने वो भी पीस ली है। तो अभी इसे भी अच्छे से इसके साथ में भून लेंगे। और अदरक लहसुन मैं डाल रही हूँ, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन डाले, 1/2 चम्मच हमने कोफ्ते में डाला था, और इसके अंदर मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसी के साथ प्याज को भी भून लेना है, और अदरक लहसुन को भी अच्छे से भून लेना है इसी के साथ में। ये देखिए ये जब तक के भून जाएगा, ताकि कच्चे प्याज का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और अदरक लहसुन का जो कच्चापन है, देखिए तेल साइड में आ गया है, इसका मतलब ये मसाला रेडी है। और मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 3 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, क्योंकि मैं आज 1 किलो के इसमें बना रही हूँ, 1 किलो मटन के कोफ्ते बनाए मैंने। और ये मैं रेड चिल्ली मैं इसमें डाल दूँगी, तो ये भी मैंने डाल दी है। कश्मीरी लाल मिर्च चाहिए, ये मिक्स वाली मैं यूज़ करती हूँ, कश्मीरी और जो चपाटा मिर्ची होती है वो वाली, तो उससे काफ़ी अच्छा कलर आता है। और भी हल्दी मैंने डाल दी है 1/2 चम्मच। बस अभी इन मसालों के साथ में इसे थोड़ा और भून लेंगे। तो मैंने जो काजू आपको दिखाए थे, तो उसका भी मैंने पेस्ट बना लिया है काजू का, तो इसी स्टेज पे हमने वो पेस्ट भी ऐड करना है। तो देखिए, तो काजू में आप थोड़ा पानी डाल के इसका एक पेस्ट बना ले, और बस अब इसी के साथ इसको भून लेंगे, ताकि काजू भी थोड़े पक जाएंगे। और इस वही कटोरी में मैंने 1/2 कटोरी इसमें पानी ऐड किया है, ताकि जो मसाले वो नीचे चिपके ना, लगे ना। और बस इस तरीके से, और जो काजू है
वो ठीक हो जाएगा एकदम, ग्रेवी जो है वो हमारी ठीक हो जाएगी। धीरे धीरे पकने दे, तेल ऊपर आने दे, अभी ये कच्चा है। देखिए अभी से ग्रेवी एकदम ठीक होने लगी है, देख सकते हो आप लोग। और मैं इसे धीमी आँच पे इसे छोड़ दूँगी। और ये काली मिर्च पाउडर ली है मैंने आधा चम्मच के करीब, ये देखिए। और तेल अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कम है तो आप और ऐड कर सकते हो। तो अभी तो मैंने जो प्याज बरिस्ता की थी उसी में मैंने मसाला भून लिया है, देख सकते हो मसाला पक गया है, ऊपर तेल भी आ चुका है अच्छे से, ये देख सकते हो आप लोग। अभी मैं इसमें एक एक करके कोफ्ते ऐड करती जाऊँगी। और ग्रेवी आप अपने हिसाब से, ग्रेवी की जो थिकनेस है वो आपके ऊपर है कि आपको पतला ग्रेवी चाहिए या थिक। लेकिन इसका ना ज़्यादा थिक होता है ना ज़्यादा पतला, ये नॉर्मल ही होती है इसकी ग्रेवी। जब भी ये खाने में अच्छी लगेगी, आप इसे बहुत पतला कर दोगे तो भी इसका मज़ा नहीं आएगा, और बहुत थिक करोगे तो भी इसका मज़ा नहीं आएगा। हमें इसकी ग्रेवी नॉर्मल रखनी है। तो देखिए अभी मुझे ग्रेवी बहुत थिक लग रही है, तो मैं इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड करूँगी। तो पहले मैं इन्हें कोफ्तों के साथ थोड़ा पका लेती हूँ ताकि मसाले अच्छे से कोफ्ते के अंदर भी चले जाए। तभी इसे भी मैं 5 से 6 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊँगी। और तेल देख सकते हो, तो ये करीब मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है, 2 कप के करीब मैंने पानी ऐड किया है इसके अंदर। और अभी मैं देख लेती हूँ कि ग्रेवी मुझे जैसी चाहिए वैसी बनी है या इसे और थोड़ा पका के मुझे थिक करनी पड़ेगी। पर मुझे नहीं लगता कि अब बस, मुझे लगता है ये सही है। ये देखिए देखिए पक गई है ग्रेवी। और अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 कप के करीब पंजाबी दही है, ये खट्टी दही नहीं है, ये मीठी होती है। तो ये दही और ये जो हमने बरिस्ता बनाया था 2 प्याज का, इसे मिक्सी में मैंने अच्छे से घुमा के इसका एक पेस्ट बना लिया था, इसे मिक्सी में चला के। और बस अच्छे से प्याज और दही के साथ में हमने इसे पका लेना है, देख सकते हो। और अभी मैं 1 कप के करीब इसके अंदर ना क्रीम डाल दूँगी। अगर आपके पास अमूल क्रीम नहीं है तो आप घर की फ्रेश मलाई भी डाल सकते हो, लेकिन आपको एकदम एंड में डालनी है, गैस आप बंद कर दें उसके बाद ही डालें। क्योंकि जो घर की मलाई है वो जैसे घी छोड़ती है, ये मलाई से ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। तो बस मैं इसे अभी 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। मलाई डालने के बाद इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और अभी थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। तो मैंने कसूरी मेथी को भून लिया था, और अब हाथ से थोड़ा क्रश करके कसूरी मेथी भी इसके अंदर ऊपर से मैं ऐड कर दूंगी। कसूरी मेथी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आता है, और ये होममेड गरम मसाला है। तो ये भी इसमें ऐड कर दिया, और इसे थोड़ी देर 4 से 5 मिनट इसे मैं अच्छे से पकने दूंगी। जो भी मसाले हैं वो कोफ्ते के अंदर चले जाएंगे, जो क्रीम है वो सब। और बस हमारी रेडी, देखिए ग्रेवी रेडी हो चुकी है। और ये मैंने प्लेट ली है, मैं इसमें आपको निकाल के दिखाती हूँ, देख सकते हो माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रेवी लग रही है, बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। आप लोग भी ज़रूर बनाए, अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हो या आपके यहाँ कोई छोटा मोटा फंक्शन है तो ज़रूर बनाइएगा। और मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, पूरा वॉच कीजिए, स्किप बिल्कुल ना करें। और ये ऊपर से मैं इसे सजावट के लिए थोड़ी सी क्रीम इसके ऊपर डाल दूँगी, थोड़ा हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। और ये लीजिए, लग रही है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप लोगों को कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। ये लीजिए हमारा शाही कोफ्ता तैयार है, आप लोग भी घर में बना सकते हो, इसका मज़ा ले सकते हो। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।